तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ इस टाइप का ब्लैक एंड ब्लू टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी लाइटरूम ऐप को यूज करके बहुत ही आसान तरीके में। तो गाइस इस एडिटिंग को सीखने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात के बिना आज के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना फ़ोन में लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं पर अभी लाइटरूम ऐप को ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। और लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग के यहाँ पर ऐड फोटोज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप लोगों को अपना फोटो कैसे सिलेक्ट करके ऐड करना है, जिस भी फोटो को आप लोगों को एडिटिंग करना है। तो यह समय भी एग्जांपल के लिए वाला फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे आप लोग भी अपने फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा और फोटो सिलेक्ट करने के बाद ऐसा आप लोगों को इस ऐड का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके आप लोगों को अपना फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड करना है। तो अभी गाइस हमारा फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, मतलब हमारा फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। और लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड होने के बाद फोटो ऐसा आप लोगों को इस ऑल फोटोज का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके आप लोगों को अपना फोटो कैसे ओपन कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फोटो, तो हम ऐसा भी इसे ओपन कर लेते हैं। ऐसे आप लोग भी अपना फोटो कैसे ओपन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फोटो हमारा ओपन हो चुका है लाइटरूम ऐप के अंदर एंड यहाँ पर एडिटिंग के लिए भी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से चला जाना है कलर्स का ऑप्शन में। तो गाइस इरेजर पर कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करके +20 तक रख लेना है। और आप इसका टीन को इधर आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करना है। तो टीन को माइनस करके आप लोगों को -5 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और आप इसका वाइब्रेंस को इधर आप लोगों को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर वाइब्रेंस को आप लोगों को इंक्रीज करके +21 के आसपास रख लेना है। और आप इसका सैचुरेशन को इधर आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करना है। तो इसे माइनस करके आप लोगों को -8 तक रख लेना है। देन गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाना मिक्स टूल में। तो गाइस एरो पर मिक्स टूल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से चले जाना येलो कलर में। और येलो कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका ह्यू के इधर पर आप लोगों को फुली डिक्रीज करके -100 कर लें। और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को फुली डिक्रीज करके -100 कर लें। और आप इसका लुमिनस के इधर पर आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इसे इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को +26 के आसपास रख लेना है। देन गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाना ग्रीन कलर में। और ग्रीन कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका ह्यू के इधर पर आप लोगों को फुली डिक्रीज करके -100 कर लें। और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को डिक्रीज कर लें। तो इसे यहाँ पर आप लोग डिक्रीज करके -87 के आसपास रख लेना है। और आप इसका लुमिनस को भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो इसे आप लोग डिक्रीज करके -11 के आसपास रख लेना है, ठीक है। देन गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चला जाना ब्लू कलर में। और ब्लू कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका ह्यू के इधर पर आप लोगों को डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ह्यू को डिक्रीज करके -70 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और आप इसके सैचुरेशन को भी आप लोगों को यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो इसे आप लोग डिक्रीज करके -88 के आसपास रख लेना है। देन गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चला जाना पर्पल कलर में। और पर्पल कलर में जाने के बाद यहाँ पर बस आप लोगों को सैचुरेशन को ही डिक्रीज करके -100 करना है। और इतना हो जाने के बाद अभी आप लोगों को अपना स्किन टोन को सही करने के लिए आप लोगों को चला जाना ऑरेंज कलर में, ठीक है। और ऑरेंज कलर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज करना है। तो इसका सैचुरेशन को यहाँ पर आप लोग डिक्रीज करके -16 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और आप इसका लुमिनस की तरफ आप लोग को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर लुमिनस आप लोग अपना हिस्सा बराबर इंक्रीज कीजिएगा, मतलब जितना आप लोग अपने स्किन के ऊपर ब्राइटनेस चाहते हो, यानी आप लोग अपने स्किन को व्हाइट चाहते हो, तो इतना पर आप लोग लुमिनस को इंक्रीज करके रख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे इंक्रीज करके +13 के आसपास रख लेते हैं। देन गाइस यहाँ से आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इधर से आप लोगों को सिंपली डन करना है। डन करने के बाद गाइस यहाँ से भी आप लोगों को चला जाना कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में, ठीक है। तो गाइस एरो पर कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ऐसे चला जाना हाईलाइट स्टोन में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हाईलाइट स्टोन, तो हाईलाइट स्टोन में आप लोगों को चला है। और हाईलाइट स्टोन में आने के बाद ऐसा आप लोगों को इस एरो का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसका हाईलाइट स्टोन का ह्यू कमांड की तरफ आप लोगों को 241 तक रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को थोड़ा सा फिर इंक्रीज करना है। तो इसे यहाँ पर आप लोग इंक्रीज करके 40 के आसपास रख लेना है। और उसके बाद आप लोग कुछ स्टेप से थोड़ा सा स्वाइप करना है। और स्वाइप करके आप लोग के यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसका ब्लेंडिंग की तरफ आप लोगों को बढ़ा लेना है। तो इसे बढ़ा के आप लोगों को 80 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और आप इसका बैलेंस को भी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लें। तो इसे बढ़ा के इधर आप लोगों को 16 के आसपास रख लेना है। देन गाइस यहाँ से आप लोग को और कुछ नहीं करना है, इधर से आप लोगों को सिंपली डन कर लेना है। डन करने के बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चला जाना लाइट्स का ऑप्शन में, ठीक है। क्योंकि हम फोटो के ऊपर अभी थोड़ा बहुत लाइट्स का एडजस्टमेंट करेंगे। तो गाइस एरे इधर पे लाइट्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोजर को माइनस करके -0.20 ev तक रख लेना है, ठीक है, 0.20 ev।
और आप इसका हाईलाइट्स को भी यहाँ पर आप लोगों को डिक्रीज करने हैं, तो इसे आप लोग डिक्रीज करके -43 के आसपास रख लेने हैं। और आप इसका शेडो की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने हैं, तो यहाँ पर आप लोग शेडो को इंक्रीज करके 7 तक रख लेने, ठीक है। और आप इसका व्हाइट्स को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने हैं, तो यहाँ पर आप लोग व्हाइट्स को इंक्रीज करके 29 के आसपास रख लेने हैं। देन गाइस यहाँ से अभी आप लोग को चला जाने इफेक्ट का ऑप्शन में, ठीक है, फोटो को HD बनाने के लिए। तो गाइस इरेजर पे इफेक्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग टेक्चर को थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि फोटो के ऊपर थोड़ा HDR इफेक्ट आ सके। तो यहाँ पर टेक्चर को आप लोगों को 12 का इन, तो यहाँ पर आप लोग टेक्चर को इंक्रीज करके 12 के आसपास रख लेने, ठीक है। और आप इसका क्लैरिटी को भी आप लोगों को थोड़ा सा फिर इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर आप लोग क्लैरिटी को इंक्रीज करके 15 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और आप इसके DH को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो DH के इधर पर आप लोग 10 के आसपास रख लेना है। और आप इसका बिगनेट के इधर पर आप लोगों को माइनस करना है, तो यहाँ पर आप लोग बिगनेट को माइनस करके -35 के आसपास रख लेने हैं। और आप इसका मिड पॉइंट को आप लोगों को थोड़ा सा कम करना है, तो यहाँ पर आप लोग मिड पॉइंट को 35 तक रख लेना है। और आप इसका फेदर की तरफ आप लोगों को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फेदर को बढ़ा के 82 के आसपास रख लेना है। देन गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाना डिटेल्स का ऑप्शन में, तो गाइस इधर पे डिटेल्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि फोटो के ऊपर थोड़ा शाइन आ सके। तो इसका तो यहाँ पर शार्पनिंग को आप लोगों को 40 के आसपास रख लेना है। और आप इसका नॉइस रिडक्शन को भी आप लोगों को बढ़ा लेना है ताकि आप लोगों का फोटो जो है वो यहाँ पर फटे नहीं, स्मूथ रहे, ठीक है। तो इसे बढ़ा के इधर आप लोगों को 65 के आसपास रख लेना है। और आप इसके कलर नॉइस रिडक्शन को भी आप लोग थोड़ा सा फिर इंक्रीज करें, तो इसे इंक्रीज करके इधर आप लोगों को 50 के आसपास रख लेना है। देन गाइस यहाँ से आप लोग को और कुछ नहीं करना है, इधर आप लोगों को फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो को कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड काफ़ी ऑसम लग रहा है। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को भी अपना फोटो को एडिटिंग कर लें, और एडिटिंग करने के बाद फोटो या सब लोगों को फोटो को सेव करने के लिए सिंपली या सब लोग को ऊपर ही शेयर का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद या सब लोगों को इस सेव टू डिवाइस का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे इधर पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आप लोगों का फोटो आप लोगों का गैलरी में सब हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, इस फोटो एडिटिंग का प्रीसेट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग जगह वैसे प्रीसेट को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो।